हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर यू मस्ट बी डूइंग ग्रेट एंड प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स वेरी वेल। ओके, इसमें हम करेंगे बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड केसेस के बारे में बात। सबसे पहला केस जो मैंने उठाया है वो है चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, यानी यूनिट नंबर 2 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। चलो देखें कैसा दिखता है ये केस। ऑल राइट, द वेरी फर्स्ट केस इज, ओ इट्स अ न्यूज आर्टिकल, सोर्स इज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। Why is demand for salt inelastic? Okay, let's read. A quick reading करनी है आपने वहां पर, क्योंकि टाइम कम है। Salt has no close substitute. तो आप पेपर में जो है वो मार्किंग अलाउड नहीं होती वैसे, मौका मिले तो कर लो नहीं तो छोड़ दो। नो क्लोज सब्सटीट्यूट, salt का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। और मोर ओवर हाउस होल्ड हैज टू शेयर नेग्लिजिबल पार्ट, मतलब बहुत छोटी सी पैसा जो है वो हम इस पे लगाते हैं। तुम्हें पता है सॉल्ट कितने का होता है? 10-20 रुपीस का 1 kg पैकेट होता है। देयरफॉर इवन इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस इट्स डिमांड विल नॉट बी अफेक्टेड। तो इसीलिए तो हम इसे इनइलास्टिक बोल रहे हैं। हाउएवर डिमांड फॉर अ ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट किसी चीज का इज कंपैरेटिवली मोर इलास्टिक, क्योंकि देयर आर मेनी ब्रांड्स, यानी उनके सब्स्टिट्यूट होते हैं। यहां नहीं होते, यहां होते हैं। So the consumer can switch over to any other brand in case of rise in prices. Okay, चलो हमने पढ़ लिया, अब देखते हैं questions क्या हैं। Move further. Which factors affect, according to above passage, are responsible for price elasticity of demand? यहाँ elasticity के लिए कौन से factor की बात चल रही है बेटा? Number of substitutes, right? Number of substitutes. किसमें है ज्यादा? Salt में होता नहीं और branded चीजों में होता है। बात समझ गए। दूसरा, इज द डिमांड फॉर अ लग्जरी आइटम इलास्टिक? ये अब आपको अपनी घर से जो पढ़कर आए हैं वो नॉलेज लगानी पड़ेगी। यू रिमेंबर देयर इज अ फैक्टर व्हिच इज डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ द कमोडिटी। इफ इट इज ऑफ नेसेसिटी, जरूरत हो, तो फिर डिमांड कैसी होती है बच्चों? इन इलास्टिक। लग्जरी इलास्टिक क्यों? क्योंकि इनकी कंजम्पशन को पोस्टपोन किया जा सकता है, दे आर नॉट सो अर्जेंट, ये आप लिख देंगे इसमें। बिकॉज इवन इफ देर व्हेन देर इज अ राइज इन प्राइस, पीपल शिफ्ट देयर डिमांड फॉर लग्जरी आइटम्स फॉर फ्यूचर, सो दैट इज व्हाई इट इज इलास्टिक। क्लियर हो गया पॉइंट? ओके, नेम सम कमोडिटीज विच हैव स्मॉल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। तो एक तो आप पैराग्राफ से ले लो, सॉल्ट है आपके सामने, और आप यू शुड ऑल्सो बी रेडी विद फ्यू एग्जाम्पल्स आई वुड से एज इकोनॉमिक स्टूडेंट्स। बच्चों और क्या हो सकता है, दिमाग लगाओ, जिसके सब्स्टिट्यूट नहीं होते। मेडिसिन के, क्या मेडिसिन का सब्स्टिट्यूट होता है ये ना खा के ये खा लो? नो, ये हमारे देश में होता है कि हमें वो कहते हैं ये वाला ब्रांड, ये वाली दवाई नहीं है, कोई और दे दू इसके जैसी, तो हम भी ले लेते हैं। नो नो, द सॉल्ट हैज टू बी सेम वॉट एवर इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर। सो मेडिसिन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता बच्चों, अगर लेनी है तो लेनी ही होती है। सो ये भी आप इसमें डाल सकते हैं। ओके अच्छा चलिए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ मैच बॉक्स? इज इट इलास्टिक और इन इलास्टिक? आपने ये भी फैक्टर पढ़ा हुआ है बेटे। मैच बॉक्स पर वी स्पेंड अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ आर इनकम। क्या करते हैं? बहुत कम पैसा, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम वी स्पेंड ऑन दैट। कितने की होती है? ब्रांड भी हो तो क्या, पूरा एक बहुत बड़ा बॉक्स ही मुझे लगता है 10 रुपीज का आता है। अगर ब्रांड होगा तो 11 का आ जाएगा। क्या ये बहुत बड़ा पैसा है कि हम इसको देखकर कि 10 से 11 प्राइस हो गया और मैं अपनी डिमांड पोस्टपोन कर दूंगी? नहीं। सो द डिमांड फॉर मैच बॉक्स इवन इफ इट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड इज इन इलास्टिक, बिकॉज रीजन ये है, स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इनकम कंज्यूमर स्पेंड्स ऑन द कंजम्पशन ऑफ मैच बॉक्स। मुझे नहीं लगता आपको इसको समझने में किसी तरह की प्रॉब्लम आएगी। समझ आ गया? चले ऑल राइट, चलिए मुझे पहले ये रेस कर देते हैं सो दैट। हाँ चल, नेक्स्ट केस जो मैंने लिया है बेटा वो है डिमांड एंड सप्लाई टॉपिक, लिया थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर से ही लिया गया है। डिमांड और सप्लाई के रिश्ते को, रिलेशन को समझने के लिए ये टॉपिक उठाया गया है। तो देखें क्या है केस में, चलो लेट्स सी। इट्स अ न्यूज़पेपर कटिंग, हिंदुस्तान टाइम्स, एज यू कैन सी द सोर्स बिलो दिस लास्ट में जो स्क्रीन में है, और न्यू दिल्ली का है, संडे 8 जुलाई 2012 का। पावर क्राइसिस इज हियर टू स्टे, वर्स नॉट ओवर। अब ये सारी न्यूज नहीं हम पढ़ सकते, थोड़ा आइडिया ले सकते हैं
कि भाई पुअर प्लानिंग है, लेट मॉनसून है, एनसीआर अक्रॉस, यहाँ लिखा है कि 18 घंटे का पावर कट था और लोग आ गए सड़कों पर, पावरलेस इन द कैपिटल, मतलब दिल्ली, दिल्ली एंड एनसीआर, ये देखो गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, रीजंस भी बता दिए इन्होंने और कुछ सिल्वर लाइनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। बस बच्चों इतना ही हिंट लेना है, पूरी न्यूज को ऐसे डेप्थ में नहीं पहचानने लगना लोग, ये कौन से, अच्छा मेरा कोई रिश्तेदार तो नहीं है, तो इट इज गोइंग टू वेस्ट टाइम। सो लेट्स क्विकली रीच टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर वन, इन विच सिटी वॉज द गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ पावर मैक्सिमम, पता चल गया था सबसे ज्यादा कहता कहाँ है, सप्लाई ऑफ पावर मैक्सिमम किसका, विच सिटी हैज द गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। अब देखो जरा कहाँ है बेटा, यहाँ गैप दिया हुआ है नीचे आपके पास, कैन यू सी, दिल्ली में शॉर्टफॉल कम है ही नहीं, नील, गुड़गांव हैज 210 का शॉर्टफॉल, नोएडा हैज 50 मेगावाट शॉर्टफॉल, फरीदाबाद हैज द 140 मेगावाट, सबसे ज्यादा कहाँ है, गुड़गांव में। सो गुड़गांव हैज द मैक्सिमम डिमांड सप्लाई इक्वेशन मिसमैच। ओके, सो यू कैन टॉक अबाउट दिस, 8850 या 210 का शॉर्टफॉल है, विच इज हायर देन ऑल दी अदर एरियाज, नोएडा एंड फरीदाबाद। चले आगे, ओके, चलिए मूव फर्दर। आइडेंटिफाई द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पावर क्राइसिस, था ने वहां पर दिया हुआ था, ये देखो यहाँ फोर रीजन वाई डू नॉट हैव पावर, फॉल्टी डिमांड प्रोजेक्शन, डिलेड मॉनसून, शॉर्टफॉल ऑफ रॉ मटीरियल कोल, राइज इन डिमांड वाई बिकॉज ऑफ एसीज एंड अदर अप्लायंसेस। ठीक, तो ये चारों आप यहीं से कॉपी कर देंगे। पावर क्राइसिस इन द मंथ ऑफ जुलाई 2012 वाज बिकॉज ऑफ मिसमैच ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इस पर बात करें। ठीक है जी, अब ये आपको अपनी भाषा में यहीं से क्रक्स लेकर लिखना पड़ेगा बेटा कि हाँ जी पावर क्राइसिस जो थे वो मिसमैच क्यों है, क्यों है ये मिसमैच। तो रीजंस तो हमें पता चल गए हैं ना, तो उसने और क्या बोला, देखो बिकॉज ऑफ मिसमैच बता दिया, इस पर कुछ कॉमेंट करें। तो आप, वो चाहता है कि आप खुद भी थोड़ा सा इसके बारे में लिखें, तो आप लिख सकते हैं कि ये जो पावर क्राइसिस है विच कैन बी सीन इन द पिक्चर और थ्रू द न्यूज़पेपर कटिंग, इट इज, इट्स रियली अ क्योस, वर्स्ट नॉट ओवर लिखा है ना, तो इट इज स्टेइंग देयर बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस विच आर लिस्टेड अबव, शॉर्टेज है, रॉ मटेरियल नहीं हमारे पास उतना, लोगों की वजह से भी ये बढ़ता जा रहा है। तो इसमें कुछ अपनी सजेशंस भी बेटे आप डाल सकते हो कि लोगों को भी थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, दे शुड नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट, और रॉ मटेरियल क्योंकि कोल से बन रही है बिजली, इसलिए हमारे पास कोल कितने देर रहेगा, ज्यादा नहीं है, तो आप लिख सकते हो ऑल्टरनेट जो है वो ढूंढने चाहिए, जैसे विंड एनर्जी है, सोलर, ढूंढ चुकी है गवर्नमेंट, हमें भी पता है, लेकिन आप इसमें आंसर में दे सकते हैं आप इस तरह से। ओके, सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू राइट डाउन द लास्ट आंसर वेयर दे आर आस्किंग यू टू कॉमेंट अकॉर्डिंग टू द न्यूज कैटिंग। ओके, चले आगे। अगला केस है हमारा केस नंबर थ्री, अगेन डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। चलिए, ये भी एक न्यूज़पेपर कटिंग है, टाइम्स ऑफ इंडिया सोर्स है, नीचे लिखा है न्यू दिल्ली सितंबर 2012 का। देखिए ये क्या कहता है, इसमें देखकर हमें लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर एट ब्रेकिंग पॉइंट। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है बच्चों, इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है पावर, जैसे यहाँ लिखा है कि भाई 6400 मेगावाट है, दिल्ली अपना भी बनाता है 2000 मेगावाट, फिर यहाँ पार्किंग के बारे में दिखा रहा है कि पार्किंग जो है वो, ये इतने सारे लोगों को पार्किंग ही नहीं मिलती, इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहा है ना बेटे, पानी नहीं है, सो कितना पानी है प्रेजेंट, डिमांड है 1020 मिलियन गैलन्स पर डे, और है कितनी सप्लाई 845, कितना शॉर्टेज चल रहा है, तो और एक्सपेक्टेड है 2021 में ये हालत हो जाएगी। चलो अब हमने थोड़ा सा देख लिया आर्टिकल को देखकर, आइडिया ले लिया, अब चलते हैं क्या क्वेश्चन है और क्या आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज सप्लाई इज लेस देन डिमांड, वॉट आर इट्स इफेक्ट्स, हमें दिख रहा है वॉटर सप्लाई की डिमांड से, ये देखिए वॉटर सप्लाई इज लेस देन द डिमांड, अब डिमांड से सप्लाई कम है तो क्या इफेक्ट होते होंगे, ये अब आपकी वो जनरल सेंस को चेक करना चाहता है कि आप जानते हैं। अब अगर आप लिखें कि नहीं हमारे घरों में पानी नहीं आएगा तो बहुत मुश्किल, बड़ा ही छोटा सा आंसर हो जाएगा, छोटा आई मीन सीनियर क्लासेस को नहीं सूट करता। तो मेरा बेस्ट तरीका होता है समझाने का वो ये कि आप ना इसे डिवाइड कर दो सेक्टर वाइज, ठीक है, एक तो ये तरीका है कि भाई प्राइमरी सेक्टर में पानी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रॉप्स ग्रो करने के लिए पानी चाहिए, तो अगर वो प्रॉपरली फूड ग्रो नहीं कर पाएंगे और फिर फूड कम होगा तो महंगाई हो जाएगी,
इंडस्ट्रीज को पानी चाहिए. क्यों चाहिए इंडस्ट्रीज को पानी? क्योंकि प्रोडक्शन में जहां जहां जिस जिस किसी गुड में प्रोडक्शन में पानी लगता है, जैसे कपड़ा बनने में लगता है, यान बनने में लगता है, फैब्रिक में लगता है, कागज बनने में, बहुत सारी सारी इंडस्ट्रीज में पानी लगता है. तो इंडस्ट्रीज में काम कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम होगी लोगों के पास जो है. जब प्रोडक्शन कम होगी तो फिर एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी. बात समझ पा रहे हैं आप? फिर आप अपना पर्सनल पे आओ कि भाई लोगों को घरों में पर्सनल यूज के लिए भी पानी चाहिए होता है. अगर वो कम मिलेगा तो पब्लिक में अनरेस्ट हो जाएगा. आप मेरी बात समझ गए? रादर देन एक ही लाइन लिखने की बजाय आपको मैंने इतना अच्छे पॉइंट्स बता दिए. अगर ये ज्यादा मार्क्स में भी आया तो आप बड़े अच्छे से इसे लिख सकेंगे. समझ गए बेटा? चलिए आगे. दिल्ली's ओन पावर जनरेशन इज 2000 मेगावाट. यहां दिया हुआ था, ये देखिए 2000 मेगावाट है. बट इट्स डिमांड फॉर पावर इज टू मच, इज मच हायर. हाउ डज दिल्ली मीट दिस डिमांड एंड सप्लाई गैप? अब यहां पर वो कहता कि भाई दिल्ली का डिमांड और सप्लाई मिसमैच है, ये तो पीछे ही देख लिया हमने. दिल्ली कैसे मीट करे? अब हम यहां अपने सजेशन नहीं मार सकते. आप सीधा अपनी लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई इंप्लीमेंट करो. बोलो प्राइसेस बढ़ा दे, तभी लोग सेंसिटिविटी से उसे यूज करेंगे. प्राइस बढ़ा दे तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी और सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि प्राइस बढ़ने से सप्लायर आ जाएंगे. तो ये जो डिमांड सप्लाई मिसमैच है या गल्फ है या गैप है, ये ठीक हो जाएगा. तो आप अपने लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई का आइडिया दीजिएगा. ओके, नेक्स्ट. सजेस्ट फ्यू मेजर्स टू सेव इलेक्ट्रिसिटी. ये वो चाहते हैं कि एक सेंसिटिव बच्चा जो घर में बिजली बचाता हो वो ही आंसर कर पाएगा. तो आप क्या क्या बोलोगे जी? सेव में क्या? अवेयरनेस करो लोगों को तो सेव हो जाएगी. अवेयर करो कि भाई ये बहुत प्रेशियस है, दे शुड नॉट वेस्ट. जैसे टीवी में एड भी आती है कि अननेसेसरी पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है तो बंद कर दी जाए. और क्या कर सकते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए, सेव करने के लिए? बच्चों सोच के बताओ, हाउ टू सेव इलेक्ट्रिसिटी. अवेयरनेस कर दी, और क्या कर सकते हो राजे? और क्या बोलोगे आप इसमें, क्या करोगे आप? सोच के देखिए जी. अगर इसमें हम ये भी कह सकते हैं सेव के लिए कि जब नहीं जरूरत, वो तो अवेयरनेस में ही आ जाएगा, टर्न ऑफ द लाइट्स. हाँ, नेचुरल लाइट्स को इनकरेज किया जाए. जो घर भी बन रहे हैं, जैसे पुराने घर होते थे वहां नेचुरल लाइट के प्रोविजन को ज्यादा रखा जाता था, तो वो कुछ किया जाए. अगर सेव इलेक्ट्रिसिटी में और भी है, जैसे ट्रांसमिशन लॉस होता है, पता है आप लोगों को? जब बिजली बनती है और जब वहां से ट्रांसमिट होती है लोगों के घरों तक, तो वो लॉस हो जाती, बीच में काफी जो है वो लूज हो जाती है, वेस्ट हो जाती है. तो अगर वो ना हो, उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो कॉपर वायर्स लगाए, क्योंकि कॉपर उसको ज्यादा देर तक रिटेन कर सकता है, तो ये सेव हो सकती है. ऐसे करके भी आप लिख सकते हो. और क्या लिख सकते हैं आप एज अ स्टूडेंट, क्या कर सकते हो? ठीक है, सो व्हेन द थिंग्स आर इन यूज यू मस्ट यूज, अदरवाइज उसे टर्न ऑफ करो. लाइट्स हो चाहे फैन हो, एसीज भी किसी हद तक हमें इसकी कंजम्पशन जो है वो कम करनी चाहिए. तो इस तरह के आप कुछ पॉइंट्स डाल सकते हैं. प्रोडक्शन जो है वो ट्रेडिशनल वे से अगर हो जाए, ठीक है, ट्रेडिशनल, या मशीन्स ऐसी बने जो कि एनर्जी सेविंग हो, जैसे 3-star 5-star एसीज आते हैं, एनर्जी सेविंग अप्लायंसेस बने. तो इस तरह के आइडियाज आप देकर उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या किया जा सकता है. आई एम श्योर यू आर क्लियर विद दिस पर्टिकुलर केस एंड दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो. और केसेस मैं जो है वो नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करूंगी. बाय बाय, टेक केयर.